दिलनशी के घर चले, परेशान हो रही होगी ना वो। उसकी ससुराल में जाके उसके अफेयर की बातें करें हाँ, ताकि अगर महमल कुछ ना भी बताए तो उसकी सास हमारे मुंह से सुन ले। मैं तो उसकी परेशानी की वजह से कह रही थी आपको। अच्छा, उससे कहना ज्यादा परेशान ना हो। अगर महमल हैदर को कुछ बता भी देती है ना तो वो कर जाए, बिल्कुल ना माने। ये तो आप सोच रही हैं ना अम्मी, पता नहीं वहां क्या सिचुएशन चल रही होगी। महमल वैसे काफी शातिर है, उसे डराएगी धमकाएगी कि इतनी जल्दी हैदर के सामने बात नहीं करेगी। फिर भी तुम उसे समझाओ कि वो समझदारी से काम ले। महमल अगर कोई बात कर भी देती है ना तो उसे हैंडल करे, अपनी जगह ना छोड़े। तभी कहते हैं ना ये अफेयर बुरे होते हैं। शादी कहीं और हो जाए और फिर खामन को पता चल जाए तो औरत की दो कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाती। कैसे गुजरे फिर तुम्हारे दिन और रात? बस ठीक। जाहिर है जब मोहब्बत किसी और से हो और जिंदगी किसी और के साथ गुजारनी पड़े तो सिर्फ वक्त ही गुजारा जाता है। ऐसा बोले कोई सुन लेगा? हैदर से ज्यादा हैंडसम है वो। ये मौजू बीच में कहां से आ गया? तो पहले से बीच में था वो। और बात है कि तुमने हम सब की आंखों में धूल झोंकी हुई थी। खैर छोड़ो इन बात, फिलहाल मेरा एक काम करो। हैदर को ये यकीन दिलाना है कि तुम्हें मेरे और हैदर के प्यार से कोई एतराज नहीं है। या फिर जब मैं उसके साथ होती हूँ तो कम से कम तभी हमें थोड़ी स्पेस दे दिया करो। ऐसे क्या देख रही हो? मत भूल कि हैदर को वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जिनके अफेयर। मुझे ही देख लो, मरता था वो मुझ पे, लेकिन जब मेरी जिंदगी में अनसब आ गया तो मैंने जमीन आसमान नहीं कर दिया। लेकिन अभी भी मुझे कबूल करने में हैदर को मसला है। तुम्हारी तो फिर कोई हैसियत नहीं ना, समझ गई?